नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लॉकडाउन 5.0 को लेकर वायरल खबर पर गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि ऐसे खबर गलत है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 5.0 को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसी खबर चलाना सही नहीं है। ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि गृह मंत्रालय नहीं करता है, ऐसा करना गैर जिम्मेदारी है। हम आपको बता दें कि यदि लॉकडाउन 5.0 लगाया गया तो देश भर में बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। इस आदेश में बस और ऑटो सेवा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम इत्यादि खोलने की इजाज़त होगी, जबकि स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल इत्यादि बंद रहेंगे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटा तक हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 28 व 29 मई को राज्य के उत्तरी व मध्य भाग में हल्की बारिश होगी, तापमान में गिरावट भी आएगी। उन्होंने बताया कि पलामू, गढ़वा, लातेहार व चतरा जिले में हीट वेव का प्रकोप ज़्यादा रहेगा। यहाँ का तापमान 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मैट्रिक इंटर कॉपी जाँच आज से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक इंटर कॉपी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया जा चुका है। शिक्षक एक दिन में 40 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। कॉपी जांच का कार्य सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित होगा। झारखंड में आज 21 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो हजारीबाग से 7, जमशेदपुर से 4, कोडरमा से 3, लातेहार से 1, रामगढ़ से 4, रांची से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 438 से बढ़कर 458 हो गई, जबकि 191 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 154,000 है, जबकि 67,749 लोग स्वस्थ हुए और 4534 की मृत्यु हो गई। बोकारो के DC द्वारा अन्य जिलों के होमगार्ड की प्रतिनियुक्तियां रद्द। बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बोकारो के अलावा अन्य जिला धनबाद, देवघर, गिरिडीह के वैसे होमगार्ड की प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी है जो लॉकडाउन में यहां ड्यूटी कर रहे थे। उपायुक्त ने जवानों को प्रतिनियुक्तियां रद्द करते हुए कहा कि जब बोकारो में होमगार्ड के जवान पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं तो दूसरे जिले के जवानों से सेवा लेने का कोई औचित्य नहीं है। 15वें वित्त आयोग की राशि जून में होगी उपलब्ध। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज के निदेशक सह विशेष सचिव विनायक कुमार राय ने 15वें वित्त आयोग अंतरिम की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि से संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि जून माह में राशि उपलब्ध कराया जाएगा, जो पेयजल व्यवस्था, वर्षा जल का संरक्षण व जल के पुनर्चक्रण के कार्य के लिए किया जा सकेगा। कोल्हान क्षेत्र काढ़ा निर्माण से बनेगा आत्मनिर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का मूल मंत्र स्वदेशी को बढ़ावा देना है। इसी को लेकर एशिया के प्रसिद्ध सरांडा जंगल में पाए जाने वाले औषधीय पौधों से वन एवं पर्यावरण विभाग ने एक काढ़ा तैयार किया है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने पिछले दिनों कई सुझाव दिए थे। वन विभाग का दावा है कि यह इम्यूनिटी बूस्टर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विद्युत व्यवस्था को लेकर की बैठक। झारखंड के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के विद्युत व्यवस्था को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के साथ डोरंडा स्थित आवासीय कार्यालय में बैठक किया। उन्होंने वर्तमान में विद्युत स्थिति के बारे में जानकारी ली और विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे समस्याओं का विस्तृत जानकारी मांगी। विद्युत विभाग के प्रबंध निदेशक ने मंत्री को आश्वस्त किया कि 3 से 4 दिन में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से निर्बाध व्यवस्था के तहत रहेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर मुकदमा की मांग। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि श्री सोरेन ने कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने के बाद उनके परिजनों से मिले, इस दौरान शारीरिक दूरी का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो आम आदमी हो या मुख्यमंत्री। किसानों को मिले 10,000 का प्रोत्साहन भत्ता। पूर्व संसद अखिल भारतीय किसान समिति द्वारा किसानों की मांगों को लेकर पूरे देश स्तर पर विरोध दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इसी के आलोक में किसान समिति द्वारा बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता के नेतृत्व में धरना दिया गया।
श्री मेहता ने कहा कि एक एकड़ से कम जमीन वाले किसान को 10,000 रुपए प्रोत्साहना भत्ता दिया जाए। राशन वितरण में शिक्षकों को लगाने पर शिक्षा मंत्री का जवाब। शिक्षकों को जन वितरण प्रणाली से अनाज वितरण व राशन कार्ड सत्यापन कार्य में लगाए जाने का विरोध में शिक्षा मंत्री ने खाद्य आपूर्ति मंत्री को पत्र लिखा। शिक्षा मंत्री ने विभाग के मंत्री से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। उधर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मैंने शिक्षा मंत्री का पत्र नहीं देख पाया हूँ, पत्र देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 30 मई से तंबाकू के खिलाफ अभियान। झारखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर 30 मई से 15 जून तक छापामारी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान राज्य में तंबाकू बिक्री, सिगरेट, जर्दा, पान मसाला आदि का सेवन करते पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। होल्डिंग टैक्स 31 मई तक बिना ब्याज करे जमा। नगर निकायों में वित्तीय वर्ष 19-20 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मई तक बिना ब्याज भरने का समय दिया गया है। 31 मई तक टैक्स का भुगतान नहीं करने पर 1% तक ब्याज लगाने का प्रावधान है। गढ़वा के संक्रमण संदिग्ध सिपाही की रिम्स में मौत। गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड के सतबहनी गांव के एक सिपाही का मौत रांची के रिम्स में हो गई। वह टाटी सिले में सिपाही के पद पर तैनात था। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई है। उधर गढ़वा जिला के बिजली विभाग के गोदाम में आग लग जाने से 20 लाख तक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। गोवा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र से 6,061 श्रमिक पहुंचे झारखंड। प्रवासी मजदूरों का झारखंड लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूर कोडरमा और पलामू के डाल्टनगंज स्टेशन पहुंचे। सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई, इसके बाद उन्हें बसों द्वारा घर भेजा गया। झारखंड में 1,000 ऑनलाइन रैली करेगी भाजपा। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में झारखंड प्रदेश भाजपा पूरे राज्य के 1,000 ऑनलाइन रैली करेगी। इसमें डिजिटल माध्यम से 1,000 ऑनलाइन रैली तथा 20 ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होंगे, जिसे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता संबोधित करेंगे। हिंदपीढ़ी में हंगामा, अब तक नहीं मिली छूट। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से कुछ छूट दी जानी थी और सील हटाया जाना था, लेकिन एक युवक के मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। युवक का मौत तेज बुखार और पेट में दर्द होने के कारण हुआ। पुलिस वालों ने बताया कि उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं मिला है, इसलिए वहां सील नहीं हटाया गया है। भाजपा ने कहा, संक्रमण से लड़ने का इंतजाम सरकार सिर्फ ट्विटर पर किए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार संक्रमण काल में हर मोर्चा से पूरी तरीका से विफल रही है। उन्होंने संक्रमण से निपटने के लिए ट्विटर और आभासी दुनिया पर ही सारे इंतजाम किए हैं। सरकार ने हिंदपीढ़ी के नाकेबंदी की थी और कहा था कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, परंतु हिंदपीढ़ी से निकलकर लोग दूसरे जिला तक पहुंच रहे हैं। 180 प्रवासी मजदूर आज हवाई जहाज से आएंगे रांची। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से घर वापसी का कार्य शुरू कर दिया गया है। आज सुबह 8:15 में एयर एशिया की फ्लाइट से झारखंड के 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से रांची पहुंचेंगे। आपको मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड से बाहर फंसे रहे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी लाया जाएगा। पलामू में संक्रमण रोकने के लिए मवेशियों का किया जा रहा टीकाकरण। पलामू जिला में बेतला नेशनल पार्क में 3 भैंसों की मौत का कारण संक्रमण मानते हुए बेतला पार्क से सटे सभी गांवों में मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पार्क के सटे सभी गांवों में टीकाकरण किया जाना है। रेंजर प्रेम प्रसाद ने बताया कि टीकाकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। राज्य में 25 करोड़ तक का काम झारखंडी ठेकेदार ही करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब राज्य में 25 करोड़ रुपए तक की योजनाओं का काम स्थानीय ठेकेदार ही कर सकेंगे। ठेकेदार को झारखंड का स्थानीय निवास होने के साथ साथ राज्य में निबंधित होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जेपीएससी नियुक्ति के लिए दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी द्वारा जिला क्रीडा पदाधिकारी के 24 पदों पर नियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सभी जिला क्रीडा पदाधिकारी को नियुक्ति के बाद एटीआई एस्क्रिपा में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद जिला में पदस्थापित किया जाएगा। कार्गो विमान से 5000 पीपीई किट पहुंचा रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में एयरफोर्स के जहाज से पीपीई किट आया है। यह पीपीई किट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया। एनएचएम निदेशक ने बताया कि दो दिनों में 5000 पीपीई किट और 3000 मास्क आए हैं जो जिलों में वितरण कर दिया जाएगा। राजस्व वसूली के लिए उठेंगे कठोर कदम, झारखंड अपने पैर पर होगा खड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिए हैं कि राजस्व वसूली के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में संसाधन कैसे आएंगे इस दिशा में वह होमवर्क कर रहे हैं, बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी एक रुपए के लिए केंद्र की ओर टकटकी लगाए रहना पड़ रहा है। झारखंड के लोग भी अपने पैर पर खड़े होंगे और झारखंड भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। मजदूर जो झारखंड आना चाहते हैं सहायता पोर्टल पर पंजीकरण करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो झारखंड वापस आना चाहते हैं वैसे लोग झारखंड सहायता पोर्टल के लिंक पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो पंजीकरण करा चुके हैं वे दोबारा इस लिंक पर पंजीकृत करें ताकि उन्हें जल्द मदद मिल सके। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।